नमस्कार, एएमवी नेटवर्क पर चुनाव पर खास देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मतदान जारी है। इस चरण में 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटें शामिल हैं। आम चुनाव के चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटें, तेलंगाना की 17 सीटें, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, महाराष्ट्र की 11 सीटें, पश्चिम बंगाल की 8 सीटें, मध्य प्रदेश की 8 सीटें, बिहार की 5 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान करने के लिए लोग सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। एमपी की जिन सीटों पर वोट डाला जा रहा है, इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, खरगोन, खंडवा, देवास और मंदसौर सीट शामिल हैं। वहीं दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक उप मुख्यमंत्री की और दूसरी तस्वीर आपको मध्य प्रदेश के सीएम की दिखा रहे हैं। दोनों ही तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस तरीके से वोट डालते हुए वहां पर नेता पहुंचे हैं। और मध्य प्रदेश का जो रण है वो इस बार वाकई में दिलचस्प होने वाला है। और जिन मध्य प्रदेश में जिन 8 सीटों पर आज वोटिंग जारी है, उन 8 सीटों पर जो मुद्दे हैं वो भी अलग अलग हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि एमपी का जो चौथा चरण आज है वो कई मायनों में खास रहने वाला है। और 8 सीटों पर जो वोटिंग हो रही है, उन 8 सीटों पर भाजपा जो है वो मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इंदौर, खरगोन और रतलाम सीट जो है उसमें इंदौर में माहौल नहीं बदला है, लेकिन नोटा ने मुद्दा बदल दिया है। खरगोन में प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी की सभाओं के बाद हालात वहां पर भी बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां आदिवासी वोटर्स में कांग्रेस सेंध लगाने में अगर कामयाब होती है तो इसे कांग्रेस को फायदा हो सकता है। वहीं रतलाम में मोदी की गारंटी और स्थानीय मुद्दों की लड़ाई है। और इस क्षेत्र की 3 रिजर्व सीटों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोशल इंजीनियरिंग भी असर दिखा रही है। बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर और विकास के मुद्दे पर दो मुद्दे जहां पर हैं, आपको बता दें एमपी में एक तो मोदी का चेहरा और दूसरा विकास का मुद्दा, यहां पर बीजेपी इन दो मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। और दूसरा कांग्रेस जो है वो संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने जैसे मुद्दों पर यहां पर चुनाव लड़ रही है, जिनका असर अभी तक तो फिलहाल में देखने को नहीं मिला है। अगर मैं सीट वार से बात करूं तो इंदौर सीट की मैं बात करूं, कांग्रेस के मैदान छोड़ने से बीजेपी के मौजूदा सांसद शंकर लालवानी का रास्ता यहां पर साफ होता नजर आ रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद पार्टी में सवाल यही है कि इस दल बदल की जरूरत ही क्या पड़ी थी। पहली बार भाजपा को इससे नुकसान होने का डर सता रहा है। यही वजह है कि बीजेपी कैंडिडेट शंकर लालवानी ने प्रचार तेज कर दिया। हालांकि नोटा का समर्थन करने के बावजूद कांग्रेस कहीं मुकाबले में दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी सीट उज्जैन की अगर मैं बात करूं तो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित इस सीट पर कांग्रेस को ज्यादा उम्मीद नहीं है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता ओम शील न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। ओम, 8 सीटों पर वोटिंग जारी है, क्या लगता है आपको भाजपा की स्थिति जो है वो कितनी मजबूत है? देखिए, मुकाबला काफ़ी रोमांचक होने वाला है। और अगर हम बात करें उज्जैन की सीट की तो भारतीय जनता पार्टी का उस सीट पर खास दबदबा रहा है। और अगर हम 9 बजे के वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 14.97 वोटिंग प्रतिशत मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिला है। वहीं अगर हम बात करते हैं जो इंदौर है, इंदौर में 56 दुकानदारों ने एक समूह बनाया और उनका साफ तौर पर कहना है कि इंदौर हमेशा से एक कुछ अलग करता हुआ आया है। और 56 दुकान वालों ने वोटिंग के जो वोट करके आ रहे हैं उनके लिए मुफ्त नाश्ता का भी व्यवस्था करवाया है। तो कहीं ना कहीं जो इंदौर का जो एक कह सकते हैं जो एक नई चीज है और सदियों से चलती आ रही है कि हमेशा नई चीज करने में इंदौर फेमस रहा है और जो उनकी जो पुरानी चीजें रही हैं उसको आगे बढ़ाने में वो इंदौर सफल रहा है हमेशा से। तो इस बार जो 56 दुकानों का समूह है वो इस तरीके का फैसला लिया है। तो कहीं ना कहीं जो मतदाता है उन्हें आकर्षित करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। वहीं अगर हम चुनाव पे आ जाते हैं तो चुनाव में जिस तरीके से मुद्दे हावी रहे हैं मध्य प्रदेश में, जो वहां के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो वहां पे जो वोटर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा निकले और वो वोट करें। लेकिन वहां पर मुद्दे कई सारे हैं, चाहे हम वो बात कर लें बेरोजगारी की, महंगाई की, या फिर जो जो हमें विधानसभा चुनाव में वहां
वहां पर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक रुख दिखा, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक रुख दिखा जनता का, एक विकास के नाम पर वोट देना। उसके बाद जो काफी सारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश से थे, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान की ही हम बात कर लें, तो उसी शिवराज सिंह चौहान को वहां पर लोकसभा चुनाव में उतार दिया गया और एक चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट जो पहले किया जाता था उससे कहीं ना कहीं किनारा करते हुए दिख रहा है। और वहीं हम अगर देखते हैं, अगर 8 सीटों की अगर बात करें तो वहां पर ज्यादा प्रभाव हम देखें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि वहां मध्य प्रदेश में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिलता है और उनके चेहरे पर वोट मिलता है। बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा कि 8 सीटों पर अभी फिलहाल में बीजेपी का दबदबा दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2019 में भी इन 8 सीटों पर बीजेपी ने ही जीत हासिल की थी। लेकिन अगर मैं खरगोन सीट की बात करूं तो यहां पर पीएम मोदी और राहुल गांधी की सभाओं के बाद हालात जो है वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए वो जो पूरी सीट है वो काफी टक्कर का मुकाबला रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से रैलियों में भी आपने भीड़ देखा होगा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रैली करती है, जन समर्थन मिलता है भारतीय जनता पार्टी को, वैसे ही कांग्रेस जब इंडी गठबंधन वहां पर रैली करती है उस तरीके का ही जन समर्थन मिलता है और वोट बैंक दोनों के पास है वहां पर, और टक्कर का मुकाबला इस बार हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से चाहे वो राहुल गांधी लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे या फिर भाजपा पे लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये युवाओं पर ये ध्यान नहीं देते हैं, रोजगार नहीं देते हैं, महंगाई सिरे पे है, तो और वहीं अगर राज्य के नेताओं की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कांग्रेस के में जो मध्य प्रदेश में जो राज्य के नेता हैं उनका भारतीय जनता पार्टी पर साफ तौर पर यही आरोप रहता है कि जो उनके बड़े चेहरे थे शिवसेना माफ कीजिएगा शिवराज सिंह जो चौहान थे उनको बैठा दिया गया है, उनको एक तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी ये भी काउंटर करते हुए आ रही है कि ये लोकतांत्रिक पार्टी है और इन यहां पर सबको मौका मिलता है, शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा चुनाव में खड़ा कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये जो सारे मुद्दे हैं वो काफी ज्यादा हावी हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें बाजी कौन मारता है। बिल्कुल, रतलाम की अगर मैं बात करूं तो रतलाम में भी मोदी की गारंटी और स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, इसकी कार्ड कांग्रेस के पास क्या है? देखिए मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा जा रहा है, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और इन सारे चीजों से एक लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी एक लक्ष्य की ओर बढ़ रही है और साफ तौर पर कह रही है कि अब की बार 400 पार। लेकिन अब की बार जो अब की बार 400 पार का जो नारा था वो कहीं ना कहीं अब कम देखने को मिल रहा है। 2 फेजेस के चुनाव के बाद से 3 फेज के चुनाव हो गए, अभी 4थे फेज में की वोटिंग हो रही है, लेकिन दूसरे फेज के बाद से आपने देखा होगा कि चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, वो कहीं ना कहीं अब की बार 400 पार वाले नारे से बच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को क्या ये डर सता रहा है? वहीं अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी जिस तरीके से मोदी की गारंटी पर तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं और कांग्रेस जो वादा कर रही है कि जातिगत जनगणना से लेकर MSP से लेकर तमाम तरीके के लोग लुभावने वादे कर रहे हैं, तो क्या उससे जनता प्रभावित होती है और कांग्रेस को एक बार फिर से मध्य प्रदेश में एक भारी बहुमत मिल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। और ये जो 8 लोकसभा सीटें हैं जहां पर वोटिंग हो रही है वहां पर कहीं ना कहीं क्षेत्रीय मुद्दे भी हावी हैं, चाहे वो हम बात कर लें जो वहां पर पानी और बिजली की काफी ज्यादा समस्या होती है और बिजली के मीटर्स की काफी ज्यादा समस्या है उन क्षेत्रों में, तो कहीं ना कहीं ये जो 8 सीटें हैं वो काफी ज्यादा रोमांचक होने वाले हैं। और जैसे जैसे दिन बीतते हैं वोटिंग प्रतिशत से कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि किस ओर वोट हुए हैं। अब जैसे जैसे दिन बीतता है, जैसे जैसे आंकड़े आते हैं, वोटिंग परसेंटेज आते हैं, वैसे वैसे पता चलेगा कि क्या वोटिंग प्रतिशत रहने वाला है और किसके तरफ जनता का रुख हुआ है। लोग घर से निकल रहे हैं अपने मताधिकार का पालन करने, अपने वोट देने के लिए, लेकिन क्या वो वोट किस ओर रुख करता है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी और NDA की तरफ रुख करेगा या फिर इंडी गठबंधन की तरफ रुख करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है ओम, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। सब कुशल मतदान किया और मैं सबसे अपील करता हूँ अधिकतम मतदान करें और आखिरी चरण का चुनाव मध्य प्रदेश का है,
निश्चित रूप से भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी और मोदी जी की सरकार प्रचंड बहुमत जीतेगी। आज को मिला करके 29 की 29 सीट हम भाजपा की मई करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नोटा किसी दृष्टिकोण से लोकतंत्र में उपयोगी नहीं है, नोटा से बचना चाहिए। बहुत उत्साह दिखा मुझे मध्य प्रदेश में जो अभी चरण जो है, आज का जो चरण है मतदान का, उसमें मुझे अपार उत्साह दिखा है। लोकतंत्र के प्रति अटूट विश्वास है और ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, ये मेरी अपील है, प्रार्थना है। बहुत खुशी की बात है कि आज वो दिन आ गया। 2014 में वोट नहीं दे सका क्योंकि मैं अस्पताल में था विलायत में, मगर अल्लाह का शुक्र है कि आज पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मैं आपके पास खड़ा हूँ। मगर अफसोस इस बात का भी है कि जहाँ ये कहते हैं कि कोई पत्थर नहीं चल रहा है, कोई वायलेंस नहीं है, कोई बायकॉट नहीं है, वहाँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर पार्टी के और खासकर हमारी पार्टी के वर्कर्स को, सीधा सीधा वर्कर्स को इन्होंने इन दो दिनों में बंद कर रखा है। एक तरफ से ये कहते हैं कि इलेक्शन बहुत आजादी से हो रहा है, तो मुझे बताइए, मैं होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, हमारे वर्कर्स को क्यों बंद किया गया? क्या वो डरते हैं कि वो हार जाएंगे? और वो जरूर हारेंगे, इंशाल्लाह हारेंगे। इस बात की प्रसन्नता है कि हमने सब कुशल मतदान किया और मैं सबसे अपील करता हूँ अधिकतम मतदान करें और आखिरी चरण का चुनाव मध्यप्रदेश का है। निश्चित रूप से भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी और मोदी जी की सरकार प्रचंड बहुमत से जीतेगी। आज को मिला करके 29 की 29 सीट हम भाजपा की मई करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नोटा किसी दृष्टिकोण से लोकतंत्र में उपयोगी नहीं है, नोटा से बचना चाहिए। The Narendra Modi government has done what they have done with the Indian Army recruitment with Agniveer. They will definitely, if Mr. Modi comes back in power, he will replicate the same scheme for CRPF, SSB, Railway Protection Force, BSF. Because if that is done for the army, which goes and stands at the borders and protects the country and us and the Indian citizens, he will definitely do this because 4 year service you are out. हम मैं वोट डाला हूँ हमारे परिवार के साथ और हमारे आजू बाजू हमारे फ्रेंड्स नियर सभी लोग मेरे साथ आए, सभी लोग वोट डाले हैं। मैं सभी लोगों से यही अनुरोध करता हूँ, आज जो पोलिंग डे है, भारत सरकार हो, इलेक्शन कमीशन हो, पोलिंग डे के दिन हॉलीडे देते हैं, मगर कुछ लोग ये पोलिंग डे को सिर्फ हॉलीडे मानते हैं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। पोलिंग डालने के बाद हॉलीडे बनाइए। आज जो वातावरण भी अच्छा है, आदरणीय प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं ये प्रजातंत्र का त्यौहार है, ये फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, इस फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी को मानकर सभी लोग वोट डालना अपना जिम्मेदारी है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी बार बार बोलते थे वोट इज अ फंडामेंटल राइट, मगर वोट डालना भी अपना जिम्मेदारी है, ऐसा अब्दुल कलाम जी बोलते हैं। इसलिए मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं, जब भी आपका एरिया में पोलिंग होगा उस दिन पोलिंग डालना चाहिए, देश के लिए, देश के विकास के लिए, देश के रक्षा के लिए, देश का गौरव बढ़ाने के लिए, गरीबों के हित के लिए वोट डालना चाहिए और अच्छे पार्टी को, अच्छे संसद को जिताना चाहिए, यही मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ। And if you think that you have benefited from this governance, then vote for that governance which would lead you a brighter future. In Uttar Pradesh and today in Shahjahanpur are coming out and voting for the Prime Minister Narendra Modi ji, his third term and the track record that has been here for 10 years of his work. It is everyone to see, and on that basis the people are supporting the Bharatiya Janata Party, the Prime Minister Narendra Modi ji and our local candidate of Shahjahanpur Arun. मैं अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नगेंद्र बाटी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ विनोद जोशी भी हमारे साथ एमपी से जुड़ गए हैं।
विनोद, सबसे पहले आपके पास आते हुए, 8 सीटों पर वोटिंग जारी है और साथ ही साथ इस बार के अगर मुद्दों को देखें तो 8 सीटों पर अगर बीजेपी के मुद्दों को देखें तो पीएम मोदी का चेहरा और विकास का मुद्दा अहम मुद्दा है। वहीं कांग्रेस के मुद्दे को देखें तो संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने जैसे मुद्दों को उठाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे भारी पड़ने वाले हैं विनोद? विनोद आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए नगेंद्र भाटी आपके पास आते हुए अगले सवाल के साथ, 8 सीटों पर वोटिंग जारी है और 8 सीटों पर जो मुद्दे हैं वो अलग अलग हैं। आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा जो है वो ज्यादा प्रभावी साबित होगा? देखिए भारती, यदि लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ स्थानीय मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं, यहाँ जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनकी बात होती है। चाहे वो अब नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो अपनी तमाम चीज़ों के लिए जिस तरह से गारंटी दे रहे हैं उनकी बात करें, या फिर कांग्रेस भी जिस तरह से अपने वादों के साथ गारंटी ही दे रही है कांग्रेस भी, तो जो बड़े मुद्दे हैं वो लोकसभा चुनाव के दौरान अहम रहते हैं। यहाँ जो चाहे विधानसभा की बात करें या फिर ग्राम पंचायत की बात करें, जो उस वक्त मुद्दे होते हैं वो यहाँ पर नहीं होते हैं। तो बड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। जहाँ तक कांग्रेस की यदि बात करें तो वो महिला न्याय की बात कर रही हैं, वो किसान की न्याय की बात कर रही हैं, वो युवाओं के न्याय की बात कर रहे हैं। उसके लिए राहुल गांधी की तरफ से एक न्याय यात्रा के नाम से यात्रा भी निकाली गई थी। तो ये जो मुद्दे हैं वो छोटे मुद्दों पर यहाँ चुनाव नहीं हो रहा है, या ये कहें कि स्थानीय मुद्दे जो हैं उन पर चुनाव लोकसभा चुनाव का नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ जगह जरूर ऐसी है जहां पर कि लोग जो अपने गली मोहल्ले या कहें कि छोटे मुद्दे जो हैं उनको लेकर अभी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी से कई गांव ऐसे हैं जहां पर कि आज वोट का बहिष्कार किया गया है। एक गांव ऐसा है जहां की जो लिंक रोड है वो वहां पर बना हुआ नहीं है, तो वो उसके विरोध में वोटिंग नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से लखीमपुर खीरी का ही एक और गांव है, वहां पर जो छुट्टा पशु होते हैं वो फसल का नुकसान कर रहे हैं और उनकी कोई रोकथाम नहीं हो रही है, तो उसके विरोध में वहां वोटिंग नहीं की जा रही है। तो कहीं कहीं ऐसा नहीं है कि हर जगह ही बड़े या राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। कई जगह जो मतदाता है वो छोटे छोटे मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों पर भी वोट दे रहा है या फिर वोट का बहिष्कार कर रहा है। विनोद, 8 सीटों पर वोटिंग जारी है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, शाहजहांपुर जिले में जो है अभी तक 30% मतदान हो चुका है, और जहां हम बात कर रहे हैं खास मुद्दों की तो यहां पर शाहजहांपुर जिले में अभी 4 गांव ऐसे हैं जिन्होंने पूरी तरह से मतदान का बहिष्कार कर रखा है। प्रशासन ने काफी समझाने का प्रयास किया है लेकिन ग्रामीण जो है वो अपनी स्थिति पर और अपने निर्णय पर अड़े हुए हैं। और मतदान की अगर बात की जाए तो देवा संसदीय क्षेत्र का यह शाहजहांपुर जिला जो है वो आता है, और यहाँ पर सुबह से ही जो है मतदान केंद्र पर पोलिंग मॉक पोल के बाद से ही मतदान प्रारंभ हो चुका है और प्रशासन ने यहाँ पर सक्रिय व्यवस्था कर रखी है। वहीं जिन क्षेत्रों में चुनाव बहिष्कार किया गया है वहां पर सतत प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को मनाया जाए और उनसे मतदान करवाया जाए। ठीक है नगेंद्र, 2019 में इन 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, इस बार बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए आप ये मानकर चलिए भारती की जब जिन 8 सीटों पर चुनाव अभी चल रहा है उन पर 2019 में बीजेपी को विजय मिली थी, यानी 8 सांसद जो हैं वो बीजेपी के थे। तो चुनौती सबसे बड़ी बीजेपी के लिए ये है कि जो 8 सांसद उनके 2009 में जीते थे उन वो बरकरार रहे, यानी वो इस बार भी जीत कर आए। यदि एक भी सीट हारते हैं तो वो नुकसान बीजेपी का है, यहां पर कांग्रेस का, कांग्रेस को जो भी होगा वो फायदा होगा। यदि कांग्रेस यहां से एक सीट भी जीतती है तो वो उसके प्लस में जाएगी, यानी उसे कोई नुकसान नहीं है। तो बीजेपी के लिए यहां पूरी अपनी जो साख है उसे बचाने के लिए सभी 8 सीटों पर चुनाव जीतना होगा। विनोद, भाजपा के
एमपी के स्थानीय मुद्दों को आप बखूबी समझते होंगे। इसी कड़ी में अगर मैं धार की बात करूं तो धार में एक मुद्दा जो बहुत ज्यादा प्रभावी साबित हो रहा है वो है भोजशाला का, मंदिर या मस्जिद। आपको क्या लगता है कितना बड़ा ये रोल प्ले करेगा इस चुनावों में? जी बिल्कुल, भोजशाला का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। ये इस बार बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट भी करेगा और प्लस भी करेगा, क्योंकि बीजेपी के बीच में आने के बाद प्रशासन जागा था और जब वहाँ की खुदाई की गई तो अभी भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर कुछ पुराने पद चिन्ह जो है वो मिल रहे हैं। तो इससे फायदा तो होगा बीजेपी को, लेकिन कुछ स्थानीय मुद्दे ऐसे हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ सकता है जी। और जहां तक बात की जाए कैंडिडेट की, तो शाजापुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जो है मतदाता अपने विकास के मुद्दों के साथ साथ यहां के जो कैंडिडेट है उनको भी देखते हैं। जो बात की जाए भाजपा से, यहां पर महेंद्र सिंह सोलंकी, जिन्होंने कई बार तो शहर का तो उन्होंने जायजा लिया है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाए, तो लोग उनका वहां पर भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हो सकता है कि इस बार वह अच्छे बहुमतों से विजय पाए। ठीक है, नगेंद्र, इन 8 सीटों में 3 सीटों की चर्चा सबसे ज्यादा है, इंदौर, खरगोन और रतलाम। और हालांकि ये भी बात की जा रही है कि नोटा जो है वो समीकरण बदल सकता है और बीजेपी से खारिज कर रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए भारती, इंदौर लोकसभा सीट की यदि बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और नामांकन से के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी, यानी कि अब वहाँ पर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है। और कांग्रेस जो है यहाँ हिम्मत हारने के मूड में भी नहीं दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस की तरफ से ये प्रचार प्रसार पूरे क्षेत्र के अंदर किया जा रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है और जो उनका हार्ड कोर वोटर है वो बीजेपी या किसी दूसरे दल को वोट ना करे। वो वोट तो जरूर करे लेकिन वो नोटा का जो बटन है उसको दबाए, जिससे कि यदि भले ही बीजेपी का प्रत्याशी जीत भी जाए लेकिन यदि उसके बाद नोटा की वोट ज्यादा होती है तो इसमें आगे जाकर बीजेपी की ही किरकिरी होगी। तो इसीलिए भाजपा की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है कि नोटा क्यों, भले ही बीजेपी का को के जो कैंडिडेट हैं उनको वोट ना दे, दूसरे किसी उम्मीदवार को वोट दें लेकिन नोटा का बटन ना दबाए। तो इसीलिए विरोध किया जा रहा है क्योंकि इससे भाजपा की छवि भी खराब होगी। यदि दूसरे या तीसरे नंबर पर भी नोटा की वोट यदि आती है तो इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस क्योंकि ये दिखाना चाहती है कि कांग्रेस यहां मजबूती से चुनाव लड़ रही थी, बीच में ही प्रत्याशी किसी भी वजह से, चाहे लालच से चाहे अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते हुए, वो पार्टी को धोखा देकर गया है। तो धोखा साबित करने के लिए यहां कांग्रेस की तरफ से लगातार लोगों से यह प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि वो इस बार नोटा का बटन दबाए। बिल्कुल नगेंद्र, और ये बड़ा सवाल यहाँ पर अभी तक बना हुआ है कि आखिर ऐन मौके पर दल बदल की जरूरत क्यों ही पड़ी। आखिरी सवाल के साथ विनोद, आपके पास आते हुए, वोटिंग प्रतिशत जो है एमपी का वो कितना रहा और क्या लगता है आपको आगे कितना बढ़ने वाला है, कितना पिछली बार से कितना बेहतर रहने वाला है इस बार का? जी बिल्कुल, वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो अभी शाजापुर शहर के जिस मतदान केंद्र पर हम खड़े हैं यहाँ का 30% मतदान अभी तक पूरा हो चुका है और हमारे साथ कुछ मतदाता भी हैं, इनसे भी बात करेंगे किन मुद्दों को लेकर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और क्या चाहते हैं। चलिए विनोद, आप क्या चाहते हैं किन मुद्दों को लेकर? देखिए, हम विकास चाहते हैं कि कई बेरोजगार युवाओं घूम रहा है, देश का अच्छा भविष्य बने, इसलिए देश को भविष्य को देख करके हम वोटिंग करने आए हैं कि हमारे जो देश में अच्छा शासन हो और जो देश की रक्षा कर सकता है, जो गरीबों की रक्षा कर सकता है, उस व्यक्ति को चुना जाएगा। जी बिल्कुल, इसी के साथ एक और हमारे मतदाता भी मत डालकर आए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहेंगे आप, किन मुद्दों को लेकर और किस सोच के साथ आपने आज मतदान किया है? मुद्दा एक ही है कि हम अपने मत का प्रयोग करें, राष्ट्रीय हित में मत का प्रयोग करें। 5 साल में एक बार हमें देश के लिए मतदान करने का अवसर आता है। थोड़ी परेशानी है, गर्मी का मौसम है, लेकिन मेरा सभी से निवेदन है कि 100% मतदान करें, घरों से निकलें, थोड़ी समस्याएं उठाएं। अगर हम ये 5 साल में एक बार भी मतदान नहीं करेंगे तो हमें ये कहने का कोई अधिकार नहीं है
कि हमारे ये काम नहीं हुए, हमें इन योजनाओं का लाभ नहीं हुआ, आप घर से निकलें और मतदान अवश्य करें। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव को, किस तरह से मतदाता जो है वो अपने मत का उपयोग करेंगे, क्या सोच रहेगी उनकी? ठीक है विनोद, कुल मिलाकर जो मतदाता हैं वो भी जागरूक स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ मतदान करने की अपील भी वो मतदान करने के साथ साथ कर रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMB नेटवर्क।